नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे कलर कॉम्बिनेशन दिखाने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपने घर के बाहर के कलर को एक नया लुक दे सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल तरीके से घर को पेंट करने के लिए 10 इंपॉर्टेंट कलर आपको दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पूरे घर को डार्क ब्लू में पेंट किया गया। डार्क ब्लू में पेंट करने के बाद घर का जो बॉर्डर एरिया था, यानी कि स्लैब का कॉर्नर और इसके साथ साथ लिंटर का कॉर्नर और जो कुछ पट्टियां बनी हुई थी प्लास्टर करते समय, उसको येलो में पेंट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। यह कलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सेकेंड कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस घर को पूरा ग्रीन में पेंट किया गया। ग्रीन में पेंट करने के बाद घर का जो बॉर्डर एरिया था, यानी कि स्लैब और लिंटर का कॉर्नर और इसके साथ साथ प्लास्टर करते समय जो पट्टियां बनाई गई थी, उनको ब्राउन में पेंट कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि घर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो यदि आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ अपने घर को पेंट करा सकते हैं। थर्ड कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर को सबसे पहले लाइट मेहरून कलर में पेंट किया गया। लाइट मेहरून में पेंट करने के बाद घर का जो बॉर्डर एरिया था, जैसे बाउंड्री का बॉर्डर और इसके साथ साथ कॉलम और स्लैब का जो कॉर्नर होता है, उसको डार्क मेहरून में पेंट कर दिया गया। और पूरे घर का लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह कलर आपको कैसा लगा। फोर्थ नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पूरे घर को व्हाइट में पेंट कर दिया गया। व्हाइट में पेंट करने के बाद घर का जो बॉर्डर एरिया था, उसको डार्क ऑरेंज में पेंट किया गया। और आप देख सकते हैं कि घर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। फोर्थ नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें टोटल 3 कलर है। सबसे पहले पूरे घर को क्रीम कलर में पेंट किया गया। क्रीम कलर में पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कॉर्निस है, उसका कुछ पार्ट गोल्डन कलर में पेंट किया गया और इसके साथ साथ विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया रेड में पेंट किया गया है। व्हाइट, गोल्डन और रेड तीनों कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस घर का कलर कॉम्बिनेशन आपकी नज़र में कैसा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। 6 नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर को पेंट करने के लिए टोटल 3 कलर का यूज किया गया है। सबसे पहले घर का कुछ पार्ट आप देख सकते हैं कि ग्रीन में पेंट किया गया। ग्रीन में पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ प्लास्टर की जो डिजाइनिंग थी, उसको ऑरेंज में पेंट किया गया। और इसके साथ साथ घर का जो कॉर्नर पॉइंट था, उसको आप देख सकते हैं कि व्हाइट में पेंट किया गया। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 7th नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर को सबसे पहले येलो यानी कि पीले में पेंट किया गया। येलो में पेंट करने के बाद घर का कुछ जो बॉर्डर एरिया था कॉर्नर का, उसको ऑरेंज में पेंट कर दिया गया। तो यदि आपको येलो और ऑरेंज कलर पसंद है तो इस कलर कॉम्बिनेशन में आप अपने घर को पेंट करा सकते हैं। 9th नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन कलर है। सबसे पहले पूरे घर को लाइट येलो में पेंट किया गया। लाइट येलो में पेंट करने के बाद घर का जो कॉर्निस था, यानी कि जो बॉर्डर एरिया थे, उसको आप देख सकते हैं कि स्काई में पेंट कर दिया गया। और नॉर्मल में घर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और 10th नंबर कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पूरे घर को क्रीम कलर में पेंट किया गया। क्रीम कलर में पेंट करने के बाद घर का जो कॉर्निस था, यानी कि स्लैब के कॉर्नर पर जो कॉर्निस वगैरह पीओपी करके बनाया जाता है, उसको ग्रीन में पेंट कर दिया गया। और घर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में नॉर्मल और एडवांस टाइप के जो भी कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।